मनीष बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अब जो बड़ा अपडेट ये है कि राहुल को रेस्क्यू कर लिया गया है, उसकी पहली तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आई है, टनल से बाहर लाया गया राहुल, और यहाँ पर जो लोग है वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे। इससे पहले एक अनाउंस किया गया था माइक के जरिए, उसमें उनके पिता ने राहुल बेटा जैसे ही चिल्लाया, उसके बाद जोर से यहाँ पर आसपास के जो ग्रामीण है उन्होंने नारा लगाना शुरू किया। जो यहाँ पर टीम पहुंची हुई है वो अब से कुछ ही देर में जो राहुल है उसको बाहर लाने की जो तैयारी की जा रही है, सबसे पहले उसको स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही था कि राहुल को जैसे ही रेस्क्यू किया जाएगा उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उसके नब्ज को टटोला जाएगा और उसकी स्थितियों को समझा जाएगा, और जैसे ही वहां से जो टनल के बाहर से लाया जाएगा उनको सीधे रेस्क्यू कर यहाँ पर एम्बुलेंस पर लाया जाएगा, और एम्बुलेंस से सीधा उसको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार के लिए यहाँ पर जो डॉक्टर हैं साथ सदस्य डॉक्टर उनको उनके पास वहाँ पर उनको इलाज किया जाएगा। और तत्काल उसके बाद जो यहाँ पर जो है गतिविधियां अचानक से चेंज हुई है, जो लोग है वो बिल्कुल मोबाइल निकाल कर खींचना चाह रहे हैं, फोटो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो जयकारे लगा रहे हैं, भगवान की दुआएं, जिन लोगों ने दुआएं मांगी थी कि राहुल सकुशल लौट जाए। फिलहाल अभी जो राहुल है उसकी क्या स्थिति है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से शुरू से डॉक्टरों का ये कहना था, जो डीएमओ की टीम थी उनका ये कहना था कि जो राहुल है उसकी हालत जो है वो ठीक है, लगातार उनके जो है और सीसीटीवी के जरिए स्वास्थ्य परीक्षण को उसको देखा जा रहा था। फिलहाल जो पूरी टीम है वो अपने अपने मोबाइल, जो यहाँ पर हजारों की संख्या में जो यहाँ पर लोग हैं वो मोबाइल से तस्वीर खींचना चाहते हैं राहुल का, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और राहुल को एक झलक देखना चाहते हैं। एक बड़ा घटना क्रम पूरे ये 5 दिनों में घटा है, और रेस्क्यू कर आखिरकार राहुल को बाहर निकाल ही लिया गया है।